मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? और इसके साथ ही एक नए ब्लॉग में हो गया आपका अब वेलकम। यार सुबह सवेरे उठ के मुझे अब जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास। क्यों? क्यों का जवाब दूंगा मैं आगे। तो सबसे पहले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और लेना पड़ेगा टाइम। मैं बताऊंगा क्या ऐसा मुझे मसला हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और चलते हैं वहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने पौधों की अपडेट तो दे दूं। यार माली आया था और उसने ये इसको बराबर बराबर काट दिया है, और वहां से भी बराबर बराबर काट दिया, और इसके ऊपर से भी बराबर बराबर काट दिया है। और हमारे नींबू के फूल थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं, और ये माशाल्लाह दो तो खिल चुके हैं, और एक इस पे तो नींबू लग गया है छोटा सा, और इस पे भी चुनू सा एक नींबू लग गया। ये मैं जरा दिखाता हूँ, और इस पे भी एक छोटा सा नींबू लग गया। देखो फूल के पीछे से बिल्कुल चुना मुना सा एक छोटा सा नींबू लग गया है, और यहाँ पे ये मच्छर पता नहीं नींबू के साथ क्या कर रहा है। चल हट जा, अरे चल हट। अच्छा नींबू ये कुछ और ही है, मुझे लगा मच्छर है। वैसे देखने में तो ये लगता क्या मर गया होगा बेचारा, इसे ज़रा कड़वा कड़वा लग गया होगा तो वहाँ मर गया होगा। हमारा खून जैसा तो नहीं मिलना है इसको जायका। एक छोटी सी टहनी भी निकलने लगी या पौधे निकल रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं, तो बाद में लगेगा पता। देखो आज कितना बड़ा नींबू हो गया, ये जिस दिन पहले दिन लाया था बिल्कुल छोटा सा था, और आज इतना बड़ा। और साथ ही साहबजादे के लिए मैं ले हूँ एक नया गमला, क्योंकि ये गमला हो गया बहुत छोटा। ये गमला मैं लिया था गलती से, आप इसके लिए थोड़ा बड़ा लेकर आते हैं। ये रही हमारी छोटी सी बेल, और इसके साथ ही एक और बेल लेकर आऊँगा, वो होगी हमारी क्या कहते हैं सफ़ेद भूरों की बेल। आज वो लेकर आता हूँ यार, इसके अंदर जब लगेंगे ना इस तरह उड़केगी ये, क्या प्यारी लगेगी। सुबह सवेरे तकरीबन 9 बज गए हैं और धूप बहुत तेज़ होगी, अब क्या करें, जाना पड़ना है, टाइम लेना पड़ना है। पहले ऐसा होता था कि आप घर होते थे कि आप फ़ोन पर टाइम ले लेते थे, अब नहीं होता। अब ऐसा होता है कि आपको पहले जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, रिसेप्शन में जाना पड़ता है, वहाँ से टाइम लेना पड़ता है, जब डॉक्टर आएगा फिर आ पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि मरीज ना फ़ोन पर टाइम ले लेते थे, तो फिर वो जाते नहीं थे। फिर डॉक्टर ने ऐसा हल निकाला कि नहीं बेटा पहले आओ फिर दोबारा आओ। अभी जिन लोगों की वजह से ये हुआ है, ये सिर्फ इसका इल्ज़ाम सिर्फ आप पे लगेगा। लड़कियाँ कमेंट में बताएं ये क्या चीज़ आ रही है। इस साइड पे गुजरते हुए इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती ना, मीठी मीठी थी। जिन लोग घर पड़े हैं और कोई जगह भी हो ना, तो वो फूलों वाले या फल वाले जरूर रख लगाया करें, और मीठी खुशबू आती है यार। यार इस टाइम तो 9:30 बजे और रिसेप्शन वाले ने तो आना 10:30 बजे, पूरा घंटा ज़्यादा हो गया। मुझे घर जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा, और डॉक्टर ने आना है 11:30 बजे। 9:30 बजे मैं आया हूँ, 10:30 बजे रिसेप्शन है, 11:30 बजे डॉक्टर ने आना है। अब आगे हम गमला लेने, और साथ में गोट की बेल भी। तो यार मम्मी ने कहा है कि जाने से पहले मुझे ना अदरक लहसुन ला दे और बर्तन धोने वाला साबुन, यार जब जाना पड़ेगा। यार अभी फिर टाइम नहीं मिला यार, क्या 4:30 बजे तब भी आना पड़ेगा। इतना अरसा हो गया ये खड्डा नहीं भरा आज तक। यार वैसे ना इस जगह पर स्टेडियम बनना चाहिए, इतनी खाली जगह है, क्या कहते हैं आप लोग? जगह काफ़ी ज़्यादा ही खाली है, आराम से स्टेडियम बन सकता है। बस वो जो है ना घर ये वाला, इसको हटा दो, बाकी देखो कितना सारा रास्ता है। ये तीसरा चक्कर, 2 चक्कर हो गए डॉक्टर के पास, अब तीसरा लगना है मेरा 4:15 बजे। देख रहे हो मैं 2 घंटे से धूप में मुँह काला करा रहा हूँ, मुँह ऐसा हो गया ना काला मेरा, देखना मुझे भी लग रहा हो गया है, असल हालत टाइट हो जाती है यार। वो डॉक्टर का असल ये है कि ना 10 से 12 बंदे से देखता है यार, भैया ना यही चाहिए 10-12 बंदे को देख ले, फीस अपने मर्जी की, और लेकिन बंदे सही देखे, ये नहीं आओ जाओ 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 फिर आओ, इतने पैसे ले रहे हो उस तरह के, उसी हिसाब से भी आप मरीज़ को देखो। लेकिन मैं रुल गया हूँ इसमें, मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, तुम्हें क्या मालूम। तो यार मुझे अब दोबारा जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब बज गए हैं 4:15, और इस टाइम बहुत तेज़ धूप है यार, मेरे तो आज हो गई हालत ख़राब ना पूछो भाई, कितनी हालत ख़राब हुई है। 2 चक्कर वो लगे हैं, फिर तीसरा एक और लगा था बहादुर साहब बेचारे का, बड़ा मसला ख़राब हुआ है। कमेंट सेक्शन में हैशटैग गेट वेल सून बहादुर लिख दो यार। और अब चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि अब लेट हो गया तो फिर मुझे मिलेगा कल का टाइम, और मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। कोई ऐसा मौसम नहीं बना कि बारिश हो सके यार।
बहुत तेज धूप और उसमें हो रहा है मेरा मुंह काला। अबे यार आज का दिन ही खराब है लगता है, खुल जा तू भी, नहीं मिला टाइम अपने को, क्या कर सकते हैं। अल्लाह की कसम आज का दिन ही मनहूस लग रहा है मुझे यार, 4 से 5 चक्कर लगा चुका हूँ और मुझे मिला ही नहीं, कहाँ जाए बंदा। तो यार मेरे साथ तो आज हुआ अप्रैल फुल वाला काम, क्योंकि यार अब आज मैंने सोचा 4-5 चक्कर लगा चुका हूँ भाई, मुझे टाइम नहीं मिला, पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब है, पता नहीं ऐसा क्या मेरे साथ ऐसा दुश्मनी निकाली है भाई, अपना अगर नहीं हो सकता। मैंने सोचा यार बाद में हाउ जो अपने अगर बाद बीच में मुझे टाइम मिलना पड़े तो मैं तो तंग आ जाऊँगा, मुझे तो एक दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से शायद मिल जाए, तब नहीं मिलेगी तो आज कहाँ से मैं कमाऊँगा। मैंने ये सोचा जिससे पहले मैंने चेकअप करवाया था ना, मैं फिर उसी के मुताबिक वो कहते थे उससे मुझे एक्सरे वगैरह कहीं से करने का कहा था, वहाँ से करवाऊँगा फिर उसी के पास जाऊँगा, मैं इसके पास नहीं जाने वाला यार। और इसी के साथ तो अपने कपड़े देखा मैंने बदले ना। अच्छा और इसी के साथ यार ये जो गमला है इसको बाहर निकालते हैं और इस वाले भाई को अंदर फिट कर देते हैं, तू भी खुश हो जाएगा, क्या याद रखेगा है बेचारा, थोड़ा इसका कलर भी फेड होने लग गया, कोई 2-4 दिनों में फिर ये रंग पकड़ लेगा। अच्छा इसको निकाल तो लिया और ये इसके अंदर से निकला है, अब इस भाई को साफ उठा लें अंदर। ये भाई साहब तो लग गए और इसको कर दिया मुद्दा, क्योंकि इसके अंदर से हमने निकाल लिया बेल और इसको थोड़ा हमने किया है खड्डा सारा बनाया है, अब इंशाल्लाह ये भी होगा बाहुबली की तरह बनेगा ये भी। ये ले पानी पी, पानी पी, पगड़ा हो जवान होए, एंजॉय कर, एंजॉय कर जिंदगी। अब तुझे भी पानी दे देते हैं, तू भी क्या याद रखेगा। ये ले मेरे ख्याल से आज को लीक और आज भी थोड़ी सी मिट्टी कम है उसके अंदर, मैं सोचा थोड़ी सी इसमें निकाल के तो डाल देता हूँ। हाँ ये बांस मेरा फेवरेट, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ लगा देते हैं यहाँ पे। अच्छा दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, देखो काली बेल में और सफ़ेद अंगूर वाली बेल में इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। चलो यार अब तो तू तो खुश हो जाएगी, ठीक है देखते लिए तो ये मैंने अब फिर से बड़ा गमला दे दिया, आप खुश हो जाएंगे प्लीज़। ऐसे करूँगा इस गमले में कुछ ना कुछ मिट्टी भर के ना, यानी पनीरी वगैरह लगा दूँगा, वो सही रहेगी। चलो देखते हैं बाद में, अगर कोई छोटा मोटा पौधा ले गया हूँ तो उसको इसमें लगा दिया। जो बाहर मिट्टी पड़ी वो उठा के डाल दो, ताकि यार वो मिट्टी पड़ी पड़ी जाए तो हो जानी है, इसलिए ये कि वो इस्तेमाल में आ जाए। तो दोस्तों व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, और उम्मीद करता हूँ आज की सलाहत आपको मेरी पसंद आई होगी, इसीलिए एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेज देना साथ में ये वाली वीडियो, और इसी के साथ मैं करता हूँ व्लॉग एंड और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।